इन्वर्टर सरकार ने हरियाणा में चौतरफा घोटाले, गड़बड़ झाले और विनाश की राजनीति, विभाजन की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, जात पात के से हरियाणा को टुकड़े टुकड़े करने की राजनीति की है। आज सच्चाई ये है कि वो छोटा दुकानदार हो, आड़ती हो, अनुसूचित जाति के रविदास या वाल्मीकि, बैकवर्ड समाज के हमारे भाई और साथी हों, वो किसान हो, वो व्यापारी और उद्योगपति हो, आज सब कहीं अपराध की दंश झेल रहे हैं, कहीं कीमत ना मिलने का दंश झेल रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे हैं, नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, यहाँ तक कि कच्चे कर्मी जो हैं सिर्फ 25,000 हरियाणा में हैं। कर्मचारी भाइयों ने उन्हें पक्का करने की मांग रखी, खट्टर साहब ने उसे भी कूड़ेदान के अंदर डाल दिया। क्यों? हर सरकार कच्चे कर्मियों को पक्का करता आई है, बल्कि जो 10 वर्ष में हमने पक्के किए थे, खट्टर सरकार ने तो एक निर्देश के अनुसार उन कर्मचारियों को, पक्कों को भी कच्चा बना दिया। जिस प्रकार से एसएस बोर्ड में गड़बड़ झाला हुआ, आज तक एसएस बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? जिस प्रकार से पब्लिक सर्विस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सब जगह खट्टर साहब ने अपने चहेते लगा रखे हैं, और कल तो मुख्यमंत्री ने स्वयं मान लिया कि उनकी सरकार में गड़बड़ झाला और घोटाला है, जब 510 पसे जो किलोमीटर स्कीम में लगाई थी 42 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, उनमें चोरी पकड़ी गई, और वो भी तब जब वो चोरी हाई कोर्ट ने पकड़ी, तो फिर FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? किसी की गिरफ्तारी 5 साल से क्यों नहीं हुई? ये तो वो लोग हैं जो रविदास या वाल्मीकि समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए, उसका सबसे बड़ा घोटाला इस प्रदेश के अंदर हुआ। लगभग गुड़गावा के अंदर जिसको सुप्रीम कोर्ट को, और फरीदाबाद में जिसे सुप्रीम कोर्ट को स्टे करना पड़ा, क्योंकि भाजपा की सरकार तो पूरी पहाड़ी को उखाड़ कर बिल्डर्स को देना चाहती थी। तो इस सरकार में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और गरीब व्यक्ति का, बेरोजगार नौजवान का, दुकानदार व्यापारी का, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड साथियों का जीवन दूभर है। इन प्रश्न का जवाब तो आदरणीय खट्टर साहब देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस फ्लोर टेस्ट से गुजरेगी। मुझे लगता है कि आज की इस बैठक और जो आपने अभी सुना पंडित जी, उसके बाद इसमें तो कोई शक नहीं। कल कर्नाटक सरकार का एक फ्लोर टेस्ट, हमने एक से अधिक बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनमत का अपमान कर प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो वहां जीत कर आई ही नहीं, जैसे गोवा में भी वो जीत कर नहीं आए। हर बार जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वो धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का दुरुपयोग कर प्रजातंत्र का चीरहरण कोशिश करते हैं। यही काम वो कर्नाटक में कर रहे हैं, नतीजा आने के बाद ही वास्तविकता का पता चलेगा। जाकर किसी भी मंडी में पता करें तो एक से अधिक बार ये सर्कुलर आ गए कि अब फसल की खरीद ऑनलाइन होगी। जब फसल की खरीद ऑनलाइन होगी तो फिर आढ़तियों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो उनका धंधा तो अपने आप बंद हो जाएगा। आढ़ती और किसान का एक विशेष रिश्ता है, शायद पारिवारिक रिश्ते से भी बड़ा ये रिश्ता है। आढ़ती आधी रात का किसान का गहना है, और जब उसे ज़रूरत होती है तो आढ़ती उसकी मदद करता है, और कई बार आजकल किसान भी आढ़ती की मदद करता है, ये परिस्थिति भी है। दूसरी तरफ अगर आप किसान को रहमो करम पर छोड़ देंगे बाजार भाव के, तो छोटा किसान हरियाणा में 92-95% किसान 2 एकड़ और उससे कम का है, वो बंगलौर जाकर अपनी फसल कैसे बेच कर आएगा, या कलकत्ता कैसे बेचेगा, या दिल्ली में कैसे बेचेगा? वो आगे दलालों का रहमो करम पर हो जाएगा, जो दलाल भाव देंगे उस पर उसे बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। कारण बड़ा सीधा है, खट्टर साहब और मोदी जी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रथा को तोड़ना चाहते हैं, ये सरकारी खरीद नहीं करना चाहते। आपने हाल में ही पढ़ा होगा कि FCI पर 1,00,000 करोड़ का कर्जा है, 1,00,000 करोड़ का कर्जा है, भारत सरकार एक फूटी कौड़ी उन्हें दे नहीं रही, तो FCI खरीद करेगी कहां से? इसके अलावा अब FCI के जितने गोदाम हैं उनको बेचने की निविदाएं निकालेंगे, अब ये भी नया आदेश मोदी साहब ने जारी किया है, तो ना वो खरीद करेंगे, ना उनके पास
भंडारण की व्यवस्था होगी तो वो करेंगे क्या और किसान की खरीदी करेगा कौन। इसीलिए सरसों और बाजरा दोनों की फसलों में खट्टर साहब ने 5 क्विंटल प्रति एकड़ से खरीद बंद कर दी है ज़्यादा। तो अगर मैं 15 क्विंटल अपने खेत में पैदा करता हूँ मेहनत करके तो मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए अब जो बाजरे का भाव है, सरसों का भाव है, पूरे अगर आप हरियाणा में देखें सरसा डब्बावाड़ी से लेकर और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ तक और दूसरी तरफ फरीदाबाद के आखिरी छोर तक, तो भाव गिरकर अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से 500 से 600 रुपए क्विंटल कम मिल रहा है। तो किसान को लूटने की एक ये संगठित योजना है जिससे आपको भय होगा आप उसी को टारगेट करेंगे। परंतु जैसा मैंने कहा कि मैं ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना डरूंगा, ना दबूंगा, अपने प्रदेश और ख़ास तौर से कैथल के इलाके की प्रगति के लिए लगातार आगे बढ़ता रहूँगा। सर आपने कांग्रेस को एक मंच पे लाने की बात की, बात तो लोक दल के दोनों धड़े जो हैं वो टूटकर बिखर रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद भी कांग्रेस का तो कोई लीडर नहीं गया। हमारे तो सब नेता संतित हैं। हो सकता है कि हमारी कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाए पर उसके बावजूद भी हम इकट्ठे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं सब मिलके कि वो वैचारिक मतभेद भी जहाँ तक हो सके दूर हो जाए। राहुल गांधी जी केवल घग्गर नहीं, आज कैथल जिले में ऐसी स्थिति है कि अगर परमात्मा का प्रकोप हो गया और पानी आ गया तो उसको ठीक करने के लिए या बचाव के लिए कोई इनके पास साधन नहीं है। आप केवड़क गांव से लेकर और कैथल के साथ साथ इस पूरी ड्रेन को देख लीजिए, कैथल ड्रेन जिसे हम कहते हैं जहाँ से हमारा सारा पानी निकलता है, आज वो सारी अटी पड़ी है। उसके अंदर पूरे के पूरे के अंदर कोई पानी की निकासी का प्रावधान नहीं। आपको याद है जब घग्गर मार करती थी और घग्गर टूटी थी तो 10 करोड़ रुपए की लागत से गुलाचीका के अंदर एक पूरी दीवार हमने बनाई थी। उसके बाद उसको अगला कदम उठाना था परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ से बन गए और उसके बाद खट्टर साहब ने समझा कि ये सब उनके बंधक मजदूर हैं और यहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं। सर राहुल गांधी जी, छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस बारे में मैं निर्णय नहीं कर सकता। पंजाब में कांग्रेस जी की मौजूदगी में दिल्ली में किया था अगर आपको मैं याद कराऊँ। आपने भी कहा जिन चुनाव के बाद सामने है भ्रामक प्रचार करने वाले जो हैं व्यक्ति उनको आज सही जवाब मिल गया होगा। सर हरियाणा से खाने पर मजबूर है और जो गौशाला में गायें हैं जिनको पैसा मिलना था सरकार से, वो 5 साल खट्टर साहब और भाजपा को न्याय की गुहार लेकर थक गई और अब बंद कर दी। आज तक गौशालाओं को कोई पैसा नहीं मिला। और जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता का है, जो सरकार श्रीमद् भगवद गीता की खरीद में ही घोटाला करे उनसे आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। सर बीजेपी फैलाने को ख्याल अच्छा है।